झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के साथ ही नियमावली रद्द हो चुकी है और नियमावली के रद्द होने के बाद 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की झारखंड में पढ़ने की बाध्यता भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस बाध्यता के खत्म होने के साथ ही जो बड़ी चुनौती अभी झारखंड सरकार के सामने है वह है नियुक्ति प्रक्रिया, जो एक लंबे समय से चल रही है। कई नियुक्तियां होनी है और कई नियुक्ति अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में करीबन 11,000 से अधिक नियुक्तियां अधर में अटक जाएगी और सभी नियुक्तियों को रद्द करना पड़ सकता है, जिससे करीबन 5 लाख से भी अधिक परीक्षार्थी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में झारखंड सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाएगी और वह किस तरह से इस चुनौती का सामना करेगी, इसके संदर्भ में हमने बातचीत की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से। आइए आप भी सुनिए क्या कहना था उनका। अब देखिए, ये हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश किया है उसको जब तक हम लोग रिव्यू नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक उस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है उसको रिव्यू करने के बाद सरकार फिर उस पर एज सून एज पॉसिबल निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब यह देश तो लोकतंत्र है, संविधानिक देश है, उच्च न्यायालय के विरोध में उच्चतम न्यायालय, छोटे न्यायालय के विरुद्ध में उच्च न्यायालय, यह तो असंवैधानिक अधिकार है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।